मध्य प्रदेश सहित जिले भर में विगत लगभग 9 दिनों से कोहरे, बारिश और ठंड ने लोगों को बेहाल कर रखा है। रात और दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिन का तापमान सामान्य से लगभग 60 डिग्री कम और रात का तापमान लगभग 13 डिग्री के आसपास होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक और इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं कसरावद में आज सीजन का सबसे घना कोहरा देखा गया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सभी वाहनों को लाइट जलाकर काफी कम रफ्तार में चलना पड़ रहा था। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर खरगोन मार्ग पर और ये भुसावल हाईवे भी कहलाता है। इस वक्त इस रोड पर घना कोहरा छाया है और आप देख रहे हैं जितने भी वाहन निकलते हैं वो अपने लाइट्स ऑन कर रखे हैं। सुबह के 8 बजे हैं, इस वक्त सूर्योदय हो चुका होता है, लेकिन इस वक्त इतना घना कोहरा है कि जो 10 फीट तक भी दिखाई देना मुश्किल हो रहा है 10 फीट के बाद। इसलिए सारे वाहन जो हैं वो अपने लाइट्स जला कर आ रहे हैं और स्पीड भी थोड़ी सी कम रखना होगी। ड्राइवरों से अनुरोध है कि ऐसे समय में वो थोड़ा सा वाहन सावधानीपूर्वक चलाएँ, क्योंकि इस रोड पर बहुत सारे छोटे वाहन भी गुजरते हैं और देख रहे हैं ये बड़े बड़े वाहन। इनसे अनुरोध है ड्राइवर भाइयों से कि वो थोड़ा सा वाहन की गति भी कम रखें। इस रोड से छोटे छोटे जो गांव लगे हैं वो सुबह व्यापार के लिए आते हैं, दूध देने के लिए आते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। और इस वक्त कसरावद में घने कोहरा छाया है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही जो है चेतावनी दे दी थी कि मध्य प्रदेश को लगभग 11 तारीख तक ऐसे ही घने कोहरे, बारिश और ठंड से जूझना होगा। तो आज हम देख रहे हैं कसरावद में सबसे घना कोहरा छाया है और ये इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।